नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहन राव। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2012 में ली लास्ट में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हमारा पूरा खानदान ही दुर्गा जी का उपासक है, पीढ़ी दर पीढ़ी से यही भक्ति करते आ रहे हैं। नवरात्रि दोनों रहते थे और खूब भक्तिभाव से पूजा पाठ करते थे और शंकर भगवान को हम लोग इष्ट देव मानते थे कि सबसे बड़े शंकर भगवान ही हैं और दुर्गा इनकी पत्नी है और ये दोनों ही पूरे संसार को चला रहे हैं, इसलिए हम लोग खूब पूजा पाठ करते थे इनकी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम लोग ऐसे आए सर कि हम लोग भक्ति पूजा पाठ करते करते बहुत दुखी थे। हम इतनी भक्ति करने के बाद भी हमारे घर में दुखों का पार टूटा हुआ था, तो कभी तो हम लोग है ना दरगाह पे जाते थे कि भाई वहाँ से भी समाधान मिल जाए, कभी हम लोग गुरुद्वारा में जाते थे, वहाँ से गुरुवाणी दी थी उन्होंने, वहाँ भी गए, क्योंकि दुख इतना था कि हम दोनों जने बड़े परेशान थे बीमारियों से। मेरे को भी 8 mm की पथरी थी किडनी और गुर्दा के बीच में और मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे और इतना दवाई खाने से थोड़ा रिलीफ तो मिलता था मगर दवाई जैसे बंद होती थी वैसे ही फिर वो छाले चालू हो जाते थे और बहुत पीड़ा होती थी। और जब मंजन करता था ना सुबह उठ के और थूकता था तो खून आता था मुँह की तरफ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कैंसर हो गया है अंदर, तो मैं मन ही मन में बड़ा दुखी रहता था। और दिन दिन मेरी मिसेज को भी सांस की तकलीफ होगी और बच्चादानी में गठान होगी। अब हम लोग है ना उसका भी इलाज कराए और मेरा भी कराए तो हमारी जो सैलरी थी वो तो उसी में चली जाए, हमारा घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। तो उसके बाद में हमने ये सोचा कि अब क्या करें, बड़े दुखी थे तो ज्ञानगंगा पुस्तक मिली तो मैं उस पुस्तक को पढ़ी, जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान, इसमें तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान शरीफ सबका ज्ञान है, तो मैंने कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने वेद सब खरीद लाया हूँ, सब वेद खरीद के लाने के बाद उससे मिलाया तो झुका धूप आया, तो फिर हमारा हो गया दिमाग ख़राब कि अब क्या करें। मैंने पत्नी को बोला कि भाई ये सच्चा ज्ञान तो यहाँ पे है और ये हरियाणा में है और अपनी इस स्थिति वहाँ चलने लायक है नहीं, पर यह है कि वहाँ चलेंगे तो इसमें गारंटी तो लिखी है पर वहाँ चलने के बाद में ही अपन को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। संत तो बहुत है पूरे संसार में है मगर ये इसमें गारंटी ले रहे हैं। तो मिसेज से बोला कि भाई अपन टिकट करा लेते हैं, तो मिसेज ने वो मिसेज कभी भी किसी में विश्वास नहीं रखती थी, ना तो देवी देवता में और ना कोई संत महाराजों में, वो भी बड़ी दुखी थी। तो उनने कि चलो ठीक है, उसके परिवार वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था क्योंकि ये तो जब देखो पैसे मांगेंगे इलाज के लिए और कहाँ से देंगे, सब दूरी बना ली थी। तो फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गए बरवाला, वहाँ पे हमने दोनों जनों ने ये किया कि पहले यहाँ की पूरी जानकारी लेंगे वो, उसके बाद में अगर लगेगा तो नाम लेंगे नहीं तो अपन चुपचाप चल चलेंगे। तो कि ठीक है, तो हम लोग गए जहाँ नाम दीक्षा देते हैं, वहाँ दोनों ने नाम लिए और दोनों बच्चों चारों ने और संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लिए और फिर हम लोग इंदौर आ गए। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, आप तो पहले से ही दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? 1 महीना जब वो नाम जब वहाँ से लेके आए प्रथम नाम से, हमने रात और दिन उसको लगन के साथ जपा, उससे किडनी और गुर्दे के बीच में जो 8 mm की पथरी थी तो वो दर्द कभी भी होने लग जाता था, तो मैं मच्छी की तरह तड़पता था। मैं सांप को कहीं बाहर जाना था और उनको लेके जा रहा था और आधे घंटे पहले ही मेरे है ना दर्द चालू हो गया। अब मैंने मन ही मन में संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि मालिक आप बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है, तो परमात्मा स्वरूप आप ही है हमारे लिए, तो पर अगर मैं इनको लेके नहीं जाऊंगा तो इनका दौरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दया करना, मैं ना गोली, अब गोली भी नहीं मिलेगी तो गोली भी मैं कहाँ से लूँगा, तो परमात्मा आप ही जाने हैं। और ऐसे नीचे उतर के गाड़ी से और मैंने लंबा लेट के दंडवत प्रणाम किया और 2 मिनट बाद में ही वो मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको फिर मैं दौरे पर लेके गया और बड़ा खुश होता जा रहा था कि देखो
यहाँ तो दवाई लेने के बाद भी दर्द कम नहीं होता था, और इधर जो नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी का, और इधर जो मेरा है ना वो दर्द जैसे छुमंतर हो गया है, और मेरे मुंह में छाले 24 घंटे रहते थे बिल्कुल। आज 6 साल हो गए मालिक की दया से, एक भी अब छाला नहीं बचा है, और ना मैं कोई दवाई खाता हूँ। और मेरी मिसेज की जो सांस की तकलीफ थी, जो ठंड में वो पलंग से नीचे नहीं उतरती थी, आज बिल्कुल वो भी ठीक हो गई है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरी पत्नी को 5 किलो की गठान थी बच्चेदानी में, और वो डॉक्टरों ने बताई थी कि बच्चेदानी निकलेगी और इसका खर्च आएगा 40,000 के समथिंग। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि मालिक अगर ये गठान बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि संत के आशीर्वाद से ही पिघल के निकल जाती है, तो अगर ये ठीक हो जाती है मालिक तो मैं दरबार में आके दंडवत प्रणाम करूँगा। तो उसी दिन रात में वो धीरे धीरे उसका सारा ब्लड था जो निकलता गया, तो वो बोल रही थी कि मेरे को पेन जैसा हो रहा है। तो मैं अपन तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, फिर पेशी पे चलेंगे तो वहाँ पे अर्जी लगा लेंगे। तो कि ठीक है, ऐसे हम लोग 4 बार गए, 4 बार में वो अपने आप गठान है ना बिल्कुल साफ होगी, और हमें पता नहीं। अब ये बोलती है कि नहीं मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, तो मैंने कोई बात नहीं है। तो मैंने कि पहले अपन लोग ऐसा करें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन लगा लेते हैं। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया 4 महीने बाद, तो गुरु जी ने बोला वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कि आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने कि ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास गए, उनने बोला एक सोनोग्राफी लिख दी, हमने सोनोग्राफी करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। और जब उसने जांच की तो कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा चीचड़ा निकला। उसने लाके दिखाई दे के देखो अंदर कुछ भी नहीं है, चीचड़ा है, बिल्कुल साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये हुआ कैसे? ये क्योंकि वो डॉक्टर खुद इसका 5 साल से इलाज कर रही थी, तो वो बोल रही थी बच्चादानी तो निकलना ही थी, पर ये हुआ कैसे? पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोले, मैंने कि ये डॉक्टर लोग हैं ना एकदम से अपन बोलेंगे तो ये डांट देंगे और ये विश्वास नहीं करते हैं। तो फिर उसी ने बोला कि हम लोग अभी 3 महीने पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आए, हिसार से, हरियाणा में है वो आश्रम। तो वहाँ से आने के बाद में मेरी सांस की तकलीफ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और ये बच्चादानी की जो गठान थी ये भी अब मेरे को बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर मान गए कि वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है वो। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले जब जगत में थे तो नशा भी करते थे और खाते थे भी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? बिल्कुल, नशा तो क्या, अब तो ना तो छूते हैं ना किसी को देते भी नहीं है। नहीं तो पहले मैं दारू भी पीता था और मांस भी खाता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मेरे तो एक ही प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और संत रामपाल जी महाराज से आके अपना नाम दीक्षा लेके कल्याण कराए। सर मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपसे कितने पैसे लिए गए सर? ये तो सब मनगढ़ंत बात है, और आज तक संत रामपाल जी महाराज ने ये दास को 6 साल हो गए हैं यहाँ से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, 1 भी रुपया ना उस टाइम लिया था और ना आज लेते हैं। ये तो मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के और ये कहानी बनाई है। संत रामपाल जी जीवन दान देते हैं, वो किसी से ना पैसा लेते हैं। अब ये मीडिया वालों ने कैसे किया है ये मीडिया वाले जाने, मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में अभी भी आप आए, पहले इनका ज्ञान सुने, समझे और नाम दीक्षा ले, अपना पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा अभी तो बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उस पर नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर सब नंबर है, वो नंबर से आप जिस क्षेत्र के भी है, जिस प्रांत के भी है, वहाँ से आपको हर ज़िले में सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।